नमस्कार मध्यान ओडिशा को स्वागत बुलेटिन आरंभ करिबा से गुरुत्वपूर्ण खबर रो नयागढ़ नाबालिका हत्या एवं दुष्कर्म मामला रे एसआईटी को चार्जशीट दाखल पाई निर्देश देछंती हाईकोर्ट जनवरी 12 सुधा चार्जशीट दाखल करिबा पाई कोर्ट निर्देश देछंती सेपटे अदालत को निर्देश अनुसारी आज एसआईटी पक्षरु तदंतर स्टेटस रिपोर्ट दाखल करा जिवो एहा भितरे तदंत परे सरोज सेठी को अभियुक्त बोली दर्शाईछंती एसआईटी गिरफ सरोज को रिमांड रे आनी अधिक जेरा करूछि आज रिमांड रो सरोजर रिमांड अवधि शेष सीबीआई तदंत प्रार्थना करी हाईकोर्ट में दुईट जनस्वार्थ मामला रुजु होता बेले दुईट जाक मामलार एकत्र शुणी चली नयगढ़ नाबालिका हत्या और दुष्कर्म मामलें एसआईटी को चार्जशीट दाखल करने निर्देश देते हाईकोर्ट डेडलाइन रखा जानुरी 12 तारीख अर्थात जानुरी 12 सुधा चार्जशीट दाखल करने कोर्ट निर्देश देते इस संपर्क में अधिक अपडेट आम सहित जोड़ी होती आम स्पेशल करेस्पंडेंट नवेश महांति नवेश कौन डेवलपमेंट दिग्विजय देखुंट आप देखो ये घटना रे आज चार्जशीट दाखल करने कि हाईकोर्ट एसआईटी को निर्देश देते जनवरी 12 तारीख सुधा यही घटना चार्जशीट दाखल करने कोर्ट एसआईटी कहते तेज जहां बर्तन आम आलोचना करूँ मामला दायर करतम आईनजीवी पद्मनाय महापात्र से स्पष्ट कर जे आज एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करार किंतु हाईकोर्ट आज निर्देश देते जेहेतु अभियुक्त पूर्व गोटे स्टेटस रिपोर्ट दाखल एसआईटी कर सारी जेहेतु अभियुक्त मानू अभियुक्त को धर जा सारी तेणु एणिकी आज स्टेटस रिपोर्ट न सीधा सड़क चार्जशीट दाखल करने कोर्ट निर्देश देते तेणु जहां स्थित रही जनवरी 12 तारीख दिन ही पूर्णांग चार्जशीट अर्थात तदंत को शेष कर चार्जशीट दाखल अपरपक्षे एसआईटी पक्ष एनेकी कौन प्रतिक्रिया दिया जाए ना एसआईटी मुख्य अरुण बोत्रा प्रतिक्रिया मिल पारे वास्तविक से शीघ्र तदंत शेष करें जदि हाईकोर्ट कही सारी 12 तारीख दिन सुधा शेष करने 12 तारीख सुधा चार्जशीट दाखल करने तेज तदंत को 12 तारीख सुधा शेष करें प्रतिक्रिया मिल पारे ना कि जेहतु कोर्ट का निर्देश रही एसआईटी बाध्य चार्जशीट दाखल करने तेणु चार्जशीट दाखल होगा ही स्पष्ट वास्तविक पूरा तथ्य इन्वेस्टिगेशन में कौन आसला और कौन कौन सब अलग नुआ तथ्य जहां कि गणमाध्यम सामने को आसी ना कि एसआईटी गणमाध्यम अर्थात नवेश स्टेटस रिपोर्ट आ दाखल करा जीवो नहीं एसआईटी तरफ रु सीधा 12 तारीख रे चार्जशीट दाखल करा जीवो बिल्कुल ठीक कथा आपण कहिजंती सीधा तरफ चार्जशीट दाखल करा जीवो आ स्टेटस रिपोर्ट आवश्यकता नहीं जेहेतु एई घटना रे चार्जशीट पूर्व गोटे दाखल हो सारी से किसी सुराग दे सारी मिली बोल कि तदंतर हाईकोर्ट को अवगत करिमांड अवधि आज सरोज सरी जाऊँ डेडलाइन जेहेतु 12 तारीख रखा जाए चार्जशीट दाखल करने एसआईटी के चैलेंजिंग रहा तदंतर दिग को आप देखुं बर्तमान 12 तारीख समय आम कह बेस अधिका समय रही जेहेतु जने मात्र अभियुक्त अच्छी एसआईटी बारंबार कहते एसआईटी मुख्य जने मात्र अभियुक्त अच्छी साइंटिफिक एविडेंस मिली गला सहित एविडेंस परिमाण धीरे धीरे वृद्धि पाती अन्न एविडेंस मिली से क्रम में गत काली गाड़िया लेगिंग्स मिलवा और अभियुक्त घर रक्त लगा गामुछा मिलवा तेणु आउ असुविधा अनुमान किसी असुविधा हम और जदि सेमती किसी असुविधा अनुभव करे एसआईटी तेज हुए तो 12 तारीख दिन पुणी समय नहीं पारे हाईकोर्ट ठार् तेणु मोटामोटी जहां जमापड़ी एसआईटी संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी चार्जशीट दाखल करने सेपटे नवेश सीबीआई तदंत दावी हाईकोर्ट जनस्वार्थ मामला रुजु होनेकुणी चली दिग्वे कि राय बर्तमान सूचना बर्तमान मिल पारा कि देखो पूरा घटना तो देखा हाईकोर्ट को जो मामला आसला सीबीआई तदंत दाबी कर दाबी सहित सीबीआई तदंत प्रार्थना सहित 25 लाख टंका क्षतिपूरण परिवार को नाबालिकार परिवार को क्षतिपूरण देवा प्रार्थना कर दुई दुईट मामला होता तेणु दुई दुईट मामलार एकत्र शुणी हाईकोर्ट में चली एवं जहां आशा करा जे जदि सेमती संतोषजनक किसी प्रत्युत्तर एसआईटी पक्ष न मिले तेज हाईकोर्ट सीबीआई तदंत लागि निर्देश दे पारती तेणु आज हाईकोर्ट में जो आर्गुमेंट है अनुमान करा तदंत होती हाईकोर्ट किसी मात्र संतुष्ट अच्छा किंतु सबकि निर्भर करुच्ची चार्जशीट पर ही चार्जशीट दाखल करने यथाशीघ्र 12 तारीख सुधा जनवरी 12 सुधा हाईकोर्ट कहते से ही दिन ही जनवरी 12 दिन ही स्पष्ट हो पार वास्तविक चार्जशीट को अनुदान कर हाईकोर्ट निर पूर्णांग राय दे पारती जे घटन आउ सीबीआई तदंतर आवश्यकता अच्छी ना धन्यवाद स्पेशल करेस्पोंडेंट जोड़ी होते नवेश महांती घटना संपर्क में सविशेष अधिक सूचना दूसरे धन्यवाद नवेश सविशेष सूचना।
तेज नयागढ़ जदुपुर नाबालिका हत्या और दुष्कर्म अभियुक्त सरोज सेठी संपर्क में अधिक तथ्य प्रमाण जोगाड़ चली छानबीन सरोज मांग पचराउचरा कर एसआईटी लेगिन्स पर पोखरी मिली एक भंगा मोबाइल फोन से अभियुक्त सरोज घर एक गामुछा जबत कर एसआईटी सरोज मां को पचराउचरा बेले अरुण वोथ्रा को से नेहुरा होती पुओ को क्षमा करदेवाई काकुती मिनती करती आज सरुच सरोज रिमाण्ड अवधि तेज संपर्क में अधिक सूचना सीधासल जोड़ी होती नवकिशोर मिश्र नयागढ़ नवकिशोर वर्तमान एसआईटी तदंत दिग को कमी देखुं डेडलाइन जदि वर्तमान दी जाए 12 तारीख में चार्जसीट दाखल होमती वर्तमान देखुं तदंतर दिग को और कौन वर्तमान सूचना आसपटे बीजेपी पदयात्रा आरंभ हो देखु सीधा जमीन कह जदवपुर नाबालिका हत्या दुष्कर्म घटन अभियुक्त सरोज सेठी आज रिमांड सरुच्ची यह पूर्व एसआई टीम तथ्य संग्रह करिवारे पूरा लगी पड़ी जेहेतु आज सरोज सेठी रिमांड सरुची पूर्व आप देखिपे ये हूँ अभियुक्त सरोज सेठी घर पूरा एसआई टीम पूरा अभियुक्त घर को नाकाबंदी कर रखी जहाँ सूचना रही अभियुक्त सरोज सेठी माँ बापा सरी माँ भौणी एवं भिणी समस्त को बर्तमान गोटे जगह रखाई आज बोधे जेरा कर एसआई टीम से किसी तथ्य नवार सन्देह रही पूर्व देखिए पुलिस मुतयन कराई घर भितर को छाड़ दिया जाऊना कारण लगातार एसआई टीम बहुत थर आसी सरोज सेठी घर को जेहेतु सरोज सेठी ए घटनार मानि जाइए ये हत्याकांड घटन तार संपुक्त रही एसआई टी पाखे से मानि जाइए आज एसआई टीम हाईकोर्ट में तार स्टाटस रिपोर्ट देव यह पूर्व अभियुक्त घर पूरा छानबीन छानबीन करुच्ची एसआई टीम बोधे अभियुक्त ठार कि सुराग पाई माँ भौणी भिणई और तार बड़ भौणी को जेरा कर एसआई टीम और सेमान किसी तथ्य हासिल कर पूरा देखा नयागढ़ फोर्स मुतयन अभियुक्त घर को कहार को छाड़ दिया जा रही दुईज एसआईटर महिला टीम घर भितर रही माँ बापा को बोधे पचराउचरा करपट देखिए पूरा जमी कह गोटेपटे बीजेपी एसआई टीम संतुष्ट ना से तार सीबीआई तदंत दाबी में विजय मध्य जदुपुर को तार पदयात्रा कर नयागढ़ बस स्टाण समावेश कर पूर्व एसआई टीम पूरा प्रमाण जेहेतु आज सरुच्च डेडलाइन गोटेपटे टाटस रिपोर्टर डेडलाइन सरुला बेले एपटे अभियुक्त रिमांड सर जाऊर्व हाथ छुड़ा करने को चाहूनी एसआई टीम तेणुक पूरा एसआई टीम रमी कह जदि कह एसआईटर मुख्य अरुण बोत्रा एपर्तंत यह जगह पहुंची ना कि पूरा टीम पूरा जदुपुर गाँव रही समस्त फोकस रही आज बोधे एसआई टीम किसी गोटाए बड़ धरण कार्यानुष्ठान नहीं पारे कारण गोटेपटे रिमांड सरुची एपटे टाटस रिपोर्ट देवाई हाईकोर्ट में तार अवधि शेष हो पूर्व पूरा लगी जाइए एसआई टीम पूरा लगी समस्त रही अभियुक्त घर जेहेतु बारंबार कह गत गोटे गामुछा बाहरी अभियुक्त घर एक गामुछा बाहर जो गामुछार कहुच्छी नाबालिका को से प्रथम तंटी चिपी जो हत्या करता से तार रक्त लगी पूर्व जदि कह पोखर एक लेगिन्स बाहरी तेणु गोटेपर गोटे जो सुराग बाहर एसआईटी हाथ धरा पड़ी एसआईट मध्य जेरा समय सरोज को जेरा समय अनेक तथ्य हासिल करोर्टे प्रमाण देवा सहायक हम तेणुक आज फोकस रोचे एसआईट टीम बोधे किसी सुराग पाई अभियुक्त निजे किसी जमापड़ी किसी समय पर बोधे एसआईट मुख्य अरुण बोत्रा यही जगह को आसीपारती आसला जी अभियुक्त किसी गोटे प्रश्न रोचे जेहतु नाबालिकार बापा बारंबार अभियोग कर झीर जो मिली हाड़ खपुरी से जथेष नुह अन्न किसी अंश तार को जगार रखा जाए सरोज एका से संपुक्त थी से ग्रहण करूना यह पचर आउ किसी कारण रही थी पारे अन्न मैंने कई जो मानक संपुक्ति रही थी पारे यह आखि रखी जेहेतु बापा माँ दाबी करुँचु समर्थन करजेपी बीजेपी मध्य कहूँ ए घटनार सीबीआई तदंत निश्चिंत भाव कह गोटेपटे विरोधी चाप रही सीबीआई तदंत कराऊ हाईकोर्ट में मध्य पूर्व अपिल होती सीबीआई तदंत कराऊ ये मोटामोटी दृश्य देखिले आज घटना पर समस्त रही जदवपुर नाबालिका घटन जदवपुर में वर्तमान पुलिस छावनी कर एसआईटी टीम वर्तमान छानबीन में लगी पड़ी कि भाव में वर्तमान जदि अभियुक्त को गिरफ्त कर किंतु ठोस प्रमाणर आवश्यकता रही प्रमाण जदि मिली तो तेज आहरी छानबीन कर धन्यवाद नयागढ़ जोड़ी होते प्रतिनिधि नवकिशोर मिश्र सविशेष ए संपर्क में अधिक सूचना दे।
ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହେବ ସମାବେଶ। ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଜେପିର ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ଯିବ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଇଟାମାଟିଠାରୁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ନୟାଗଡ଼ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ଯିବ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହେବ ସମାବେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସରିଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାରର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାହା ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭାଇରସ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣେ ପଠାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। କାଲି ବି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲୁ କି ସେ ତାଙ୍କର ଜିନୋମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେଟା ପୁନେରେ ଏନ୍ଆଇଭି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଏବେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ କେସ୍ ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସୋ ତାହାକୁ କିଛି ବହୁତ ଅଧିକା ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ନର୍ମାଲ କେସ୍ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସରିଲା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଭାଇରସ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜାରି ହୋଇଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ଘର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସହ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ 104 କିମ୍ବା 0674239 0466 ଯୋଗେ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଡିଏମ୍ଇଟି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ରହିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ରହୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିହ୍ନଟଟା ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ମାନେ ବାୟୋଲାଟ୍ରାଲ ସେ ଲୋକ ବି ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିବା କଥା, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଚେତନ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଚିହ୍ନଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିଦେବୁ। ଆଇସୋଲେସନ୍ କଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବନି। ସେପଟେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଜିନ୍ ଅନୁସରଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି କରାଯିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇଏଲ୍ଏସ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଏଇ 5ଟା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ପଠାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିଏ କେଉଁଠିକି ପଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟା ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବାହାରିଥିଲା, କେଉଁଠି ୟୁକେରେ ସାଉଥ୍ ଆଉ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଫ୍ଲି ଆବାଉଟ 900 to 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ �େଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଅଲଗା କଥା, ଆର୍ଟିପିସିଆର ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ 4 hours 5 hours ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ରେଜଲ୍ଟଟା, କିନ୍ତୁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂର ସେଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ
लगभग मिनिमम 3-4 डेज लगभग एनालिसिस करबा को तनु तंग पर एनालिसिस कोला पर जणा पर ओदर एई से माने एई स्ट्रेन रे अफेक्टेड अछि कि अन्य कोन स्ट्रेन ने बुलेटिन वर्तमान समय होइछ छोटिया ब्रेक रो